लेटेस्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू कॉर्पोरेट मीटिंग. तो कॉर्पोरेट मीटिंग को समझने से पहले आइए हम लोग समझते हैं कि मीटिंग क्यों बुलाते हैं. तो मीटिंग आर कॉल्ड टू टेक डिसीजन ऑन बिजनेस मैटर. मीटिंग हम लोग बुलाते हैं डिसीजन लेने के लिए. कौन सा मैटर? पे बिजनेस मैटर पे. इसलिए हम लोग क्या बुलाते हैं? मीटिंग. क्लियर है हमारा? तो आज का हमारा टॉपिक है आपका बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173. तो बोर्ड मीटिंग इज द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है उसे हम क्या कहेंगे? बोर्ड मीटिंग. बिकॉज सम डिसीजन टेकन बाय द डायरेक्टर्स. क्योंकि कुछ डिसीजन कौन लेता है? डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेगा वो कौन सा मीटिंग में लेगा? बोर्ड मीटिंग. इसलिए हम लोग क्या बुलाते हैं? बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है 173. तो आइए हम लोग बात करते हैं कि बोर्ड मीटिंग साल में कितना करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा. तो आइए एक करके हम लोग समझते हैं. अगर आपका कंपनी नया है तो आपके लिए फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर अंदर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब जहां से आपका कंपनी खुला वहां से 30 दिन के अंदर अंदर पहला बोर्ड मीटिंग आपको करना पड़ेगा. ये कौन सा कंपनी के लिए है? जो कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुआ है. इनकॉर्पोरेट माने रजिस्ट्रेशन हुआ है, ऐसा कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. क्लियर है? अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. सबसिक्वेंट माने फर्स्ट का जो भी बोर्ड मीटिंग आएगा उसे कहेंगे सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. तो सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग फॉर वन पर्सन कंपनी, ए स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी. मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग हम लोग किसका समझने जा रहे हैं? वन पर्सन कंपनी का, स्मॉल कंपनी का और गवर्नमेंट कंपनी का. अगर स्मॉल कंपनी है आपका, गवर्नमेंट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, तो आपको साल में कम से कम दो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा 6-6 महीना में. मतलब कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर का पहला 6 महीना में एक को और दूसरा 6 महीना में एक को. मतलब साल में कम से कम आपको कितना बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा? दो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. और आप जो बोर्ड मीटिंग करेंगे उसका मिनिमम गैप 90 दिन का होना चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप वन पर्सन कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको साल में कम से कम दो बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. कितना दिन पे? एटलीस्ट 6 मंथ इन अ कैलेंडर ईयर. एटलीस्ट 6 मंथ इन अ कैलेंडर ईयर. और ये जो मीटिंग आप करेंगे इसका गैपिंग कितना दिन का होना चाहिए? कम से कम 90 दिन का. ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना करना चाहे बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं. मैक्सिमम का कोई प्रोविजन नहीं है बोर्ड मीटिंग में, मिनिमम का प्रोविजन है. अब बात करेंगे सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग फॉर अदर कंपनी. अदर कंपनी का मतलब वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बाकी जो कंपनी बच रहा है उसे कितना मीटिंग करना पड़ेगा सबसिक्वेंट. तो उसे बोर्ड मीटिंग कम से कम साल में 4 करना पड़ेगा. साल में मिनिमम बोर्ड मीटिंग, मिनिमम का बात करें, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है. मिनिमम कम से कम कितना करना पड़ेगा? 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट, इसको छोड़ करके जो भी कंपनी है उसे सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कम से कम साल में 4 करना पड़ेगा. अच्छा, इन लोगों का जो गैपिंग होना चाहिए 120 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम गैप उसका मिनिमम था और इसका मैक्सिमम गैप बिटवीन कितना? 120 दिन से ज़्यादा का गैपिंग नहीं होना चाहिए बोर्ड मीटिंग का. क्लियर है? अच्छा, बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए आपको नोटिस तो देना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग बुलाने के लिए आपको क्या देना पड़ता है? नोटिस. तो आपको 7 दिन पहले पहले नोटिस देना पड़ेगा. बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए आपको 7 दिन पहले पहले नोटिस देना पड़ेगा. और शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी, अच्छा, 7 दिन पहले पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा. ये नोटिस हम कैसे दे सकते हैं? ये नोटिस हम दे सकते हैं बाई हैंड डिलीवरी. हैंड डिलीवरी मैंने हाथों हाथ पकड़ा के डायरेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टर को कंपनी में आते जाते रहते हैं. हैंड डिलीवरी बाई पोस्ट, पोस्ट के जरिए घर भेज सकते हैं. और बाई इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, आप ई मेल वगैरह के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी आप भेज सकते हैं. तो हम नोटिस नोटिस कैसे कैसे दे सकते हैं? हैंड डिलीवरी बाई पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स. क्लियर है? अच्छा, शॉर्टर नोटिस. शॉर्टर नोटिस पर भी बोर्ड मीटिंग को बुलाया जा सकता है. अगर आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड करने का दरकार नहीं है. आप शॉर्टर नोटिस पे ही बोर्ड मीटिंग बुलाइए और आप बोर्ड मीटिंग को कर सकते हैं. अगर आपके यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो, लेकिन आपके यहाँ अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा. अगर शॉर्टर नोटिस पे आप बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? सुनिए, अगर शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग बुलाए तो एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में होना चाहिए. मीटिंग शुरू करें. अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाए, लेकिन
जो आप डिसीजन लिए वो डिसीजन सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट कर दीजिए। जो हमने डिसीजन लिया वो सारे डायरेक्टर को क्या करिए, सर्कुलेट कर दीजिए, और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से उसे रेटिफिकेशन करा लीजिए। रेटिफिकेशन मतलब दिखा लीजिए, पर समझ पा रहे हैं तो आपका मीटिंग शुड बी वैलिड। क्लियर है? ये किसका बात किया, नोटिस। नोटिस के बाद आता है कोरम, कि मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम का होना जरूरी है। तो बोर्ड मीटिंग के लिए भी कोरम चाहिए, विदाउट कोरम का मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट फिजिकली इन द मीटिंग। कम से कम डायरेक्टर्स फिजिकली मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। पहले फिजिकली नहीं था, बट अमेंडमेंट आया 2017 में कि डायरेक्टर्स मिनिमम जो है कोरम वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, और अदर डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो में आप ऑडियो जैसे टेलीफोन के जरिए आप कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स में भी रह सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट कोरम जो होना चाहिए वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। अब कोरम कितना रहेगा ये आप समझते हैं, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, माने जितना आपका डायरेक्टर है ना उसका 1/3 और दूसरा, तो 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और मिनिमम कितना, 2 डायरेक्टर्स। पीछे बढ़े जी, पीछे बढ़े। जैसे मान लीजिए हम लोग का कंपनी में 12 डायरेक्टर है, तो 1/3 का 12, तो 1/3 का 12 कितना होगा, 4, 4 और 2 दोनों 12 कौन था, 4। तो कम से कम 4 लोग फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, तो मीटिंग शुड बी वैलिड, नहीं तो मीटिंग शुड बी इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोरम का मतलब होता है कि वैलिड मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कोरम का होना जरूरी है। तो कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट। कैसा प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट, पहले नहीं था लेकिन अमेंडमेंट के बाद है फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए पूरा। तो कोरम कितना होना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, माने जितना डायरेक्टर उसका 1/3 और मिनिमम 2 पीछे वाले चार, इसमें से कोई भी प्रेजेंट होगा तो आपका मीटिंग का कोरम वैलिड है, मीटिंग कंडक्ट हो जाएगा। क्लियर है?